नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर स्वामी प्रसाद ने फिर खोला मोर्चा। रामचरितमानस की चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लखनऊ हाई कोर्ट की नसीहत एक दिन पहले ही सामने आई थी। कोर्ट ने कहा, किसी भी ग्रंथ या अभिलेख में दिए गए कथन सही परिप्रेक्ष्य में ही पढ़े और रखे जाने चाहिए। कहीं से भी कोई एक अंश बिना संपूर्ण संगत तथ्यों के रखना सत्य कथन नहीं कहा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में ऐसा कथन असत्य कथन भी हो सकता है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर स्वामी प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो बातें लिखी है, उनका इशारा साफ है कि वह कोर्ट की बातों और नसीहत से संतुष्ट नहीं है। हालांकि स्वामी प्रसाद ने अपनी पोस्ट में कोर्ट का कोई जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका किस पर निशाना है इसे लेकर तमाम चर्चाएं हैं। स्वामी प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी की व्याख्या करने वाले कुछ लोग कहते हैं, ऐसा समुद्र ने कहा, यानी समुद्र भी बोलता है। यदि ऐसा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कहेंगे तो ढोंग ढकोसला पाखंड व आडम्बर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ समस्त शूद्र समाज SC ST OBC व महिला समाज पर मारने पीटने प्रताड़ित करने व जुलम जायदी अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ेंगी। कोई भी कवि लेखक रचनाकार व व्याख्याता कल्पना के आधार पर धर्म की दुहाई देकर किसी को भी नीच अधम कहने, गाली देने, मारने पीटने, प्रताड़ित करने और भेदभाव पूर्ण घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। नारी का अपमान किसी ग्रंथ किताब में नहीं लिखा होना चाहिए। किसी भी रचनाकार व व्याख्याता को यह हक नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।